सफल और असफल लोगों के बीच में एक मामूली सा अंतर होता है। एक इंसान जो है बिल्कुल कंसंट्रेट करता है कि मुझे ये करना है और पूरी टाइमिंग से उस काम को करेगा, और जो असफल लोग होते हैं ना उनका हर समय चॉइस बदलता रहता है, वो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं, आज ये कर लेते हैं फिर जो हमने निश्चय किया है वो कल करेंगे, और इसकी वजह से कभी भी उनके लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है। सुबह के 8 बजे हैं और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बोले तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का CGHS होता है ना, वहाँ पे तो थेरेपी के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो थेरेपी की अब शुरुआत करनी है क्योंकि अब दीपावली तो गुजर गई। अब करूँगी तो कम से कम 15 डेज की थेरेपी के लिए डॉक्टर ने कहा है। अब देखती हूँ जा करके कि क्या कहते हैं आज डॉक्टर, फिर कल से शुरुआत करूँगी, पर आज तो प्रिस्क्राइब करवा ही लेना है। फ्रेंड्स, ये थेरेपी सेंटर पे मैं आ गई थी और यहाँ आके थेरेपी कराया, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और स्लिंग बैग जो लगा हुआ था उसको डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। डॉक्टर दिनेश है, बहुत अच्छे से उन्होंने सारा ट्रीटमेंट किया, और अब करीब 10 डेज 15 डेज आना पड़ेगा यहाँ। तो मैं अगर यहाँ जो लोकल हमारे लोग हैं अगर उनको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डाल दूंगी इस थेरेपी सेंटर का। बहुत ही नॉमिनल ये है, और ये है हमारे डॉक्टर दिनेश पीछे को जा रहे हैं, इन्होंने ही पूरी थेरेपी की है और बताया है। डॉक्टर साहब का थैंक्स बोल दें आप सब की तरफ से भी, और अब फिर कल मैं आऊँगी। स्लिंग बैग उतार दिया है और उन्होंने कहा कि आपको कम से कम 15 डेज की थेरेपी लेनी पड़ेगी, और कहा कि हल्का हल्का आप मूवमेंट कीजिए पर बहुत ज़्यादा वेट मत उठाइएगा इस हाथ से, लेकिन हाथ का मूवमेंट अगर आप रखेंगी तो थेरेपी कम दिन आपको करवानी पड़ेगी। तो बस कम दिन की थेरेपी के लिए मैं सोच रही हूँ। तो अभी बैग उतार दिया, ये देखिए हैंड फ्री हो गया मेरा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हैंड फ्री तो आपका कर रहे हैं, पर जब आप कोई वॉक करने लगे और आपको लगे कि दोनों हाथ को प्रेशर देना है, जैसे कपड़े वगैरह तय करने हैं या कोई, तो आप एक हाथ से अगर काम करेंगे तो दूसरे पे भी प्रेशर पड़ता है, तो वैसी स्थिति में आप थोड़ी देर के लिए बैग जो है वो लगा लीजिएगा काम करते वक्त। पर हाँ, ये स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि कोई वेट मत उठाइएगा इस हाथ से। इस कमरे का ना एक बहुत बढ़िया फायदा ये हो गया है कि कर्टन हटा दो तो सारे दिन धूप आती है, उसके बाद आराम से यहाँ बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हो। इधर बालकनी है बैक साइड में, तो यहाँ जब मैं कपड़े धो करके डालती हूँ तो उसे उठा करके अच्छे से यहाँ पे आप ला करके रख सकते हैं, तय कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ये जो यहाँ पे स्टेयर केसेस था, सीढ़ी थी ना, उसको हटा देने से बहुत अच्छा एक छोटा सा ये हो गया, 10x8 का एक रूम हो गया है। अब हालांकि इतने सारे बेडरूम हैं तो मुझे नहीं चाहिए रूम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये चल रहा था क्योंकि यूजलेस ये लग रहा था मुझे, ये वाली जो जगह है ना वो बर्बाद हो रही थी सीढ़ियों के लिए, और सीढ़ियों की तो ज़रूरत थी नहीं। तो खैर चलिए, अभी सारा दिन तो यही देखते रहे, कल दीपावली थी तो दीपावली के बाद जो है ना घर बड़ा ऐसे ही जैसे बेटी की विदाई होती है ना, उसी तरीके से कोई भी पर्व और त्यौहार जब गुजरता है तो नेक्स्ट डे ऐसी उदासी होती है। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि दीपावली में छोटी सिस्टर ने कहा था कि वो आएगी पटना में, उसकी पोस्टिंग है ना गांव में, टीचर है वो, तो उसने कहा था कि दीदी मैं आऊँगी इस बार छठ यही करेगी, क्योंकि बड़ी सिस्टर जो मेरी वो US में है अपने बेटे के पास गई हुई है। तो मैंने कहा था ठीक है, उसने आने का टिकट करवा लिया था, मतलब आज वो आ जाती, 13th है आज, तो 12 की रात की टिकट थी तो आज सुबह पहुँच जाती। पर उसका फिर मैसेज आ गया कि वापसी के लिए, 10 दिन की उसने छुट्टी ली थी, वापसी के लिए 20 तारीख तक का भी वो ट्राई कर रही थी कि टिकट मिल जाए, पर उसे नहीं मिल रहा था, फिर उसको स्कूल में प्रॉब्लम हो जाती। तो अब उसने अरेंज किया कि वहीं पटना में जैसे हमारी भाभियाँ हैं उन्हीं के साथ में वो छठ कर लेगी। तो आती तो अच्छा लगता, और उसके आने का सोच करके इतना मैंने प्लानिंग की थी
एक वक्त था कि मुझे ना पिक्चर देखने का बहुत शौक था, मतलब जैसे ही कोई नई पिक्चर लगती थी तो माँ को पकड़ के ले आती थी, चलो चलो पिक्चर देख के आना है। मतलब पिक्चर देखने का मुझे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना सारा शौक था। अब टाइगर 1 आई पिक्चर, टाइगर 2 आई और टाइगर 3 आई है। अब टाइगर 3 आई है, लोगों से इतना सुन रही हूँ, कब मेरे अपनी जो कुलीग्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात होती है, चाहे बच्चों से बात हुई, सबने कहा कि हाँ अच्छी पिक्चर है, आप देख सकते हो जा करके। पर यही मुश्किल है कि अभी तो ये एक परेशानी है, ये तो चलो सॉल्व हो जाएगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जाके हॉल में बैठना ही है। पर वही है कि अकेले जा करके कैसे, अभी इतना ज़्यादा ये नहीं, मैच्योरिटी मेरे अंदर अभी नहीं आई है कि मैं अकेले जाऊं और जाके टिकट लेकर के हॉल में बैठ के देखाऊं। पर देखना है मुझे ज़रूर टाइगर 3। अब आप सब में किसने किसने देख लिया है वो बताइएगा। अब आज का तो दिन ऐसे ही निकल गया, थोड़ा मोड़ा काम किया घर का और समेटना था बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि पूजा में जो इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें, बर्तन वगैरह, वो नेक्स्ट डे तो आपको वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखनी होती है और फिर से मंदिर को पूर्ण रूपेण पहले की तरह करना होता है, जहाँ पे कि आप रोज़ पूजा करते हैं। तो ये सारा कुछ करके मैंने इस कमरे को भी ठीक ठाक कर दिया। आज ये दूसरा दिन हो गया है, सुबह सुबह उठ करके जितने भी बर्तन वगैरह थे पूजा के वो सारे साफ करके धो करके रख लिए थे मैंने, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि रिम्पा आएगी और चाय बनाएगी, क्योंकि मुझे फिर आज जाना था, वहाँ डॉक्टर के पास जाना था थेरेपी के लिए। पर अचानक जब वो नहीं आई तो मैंने घड़ी देखा, मतलब मोबाइल में टाइम देखा, तो देखा कि 9:15 बज गए हैं, और मैंने डॉक्टर को कहा था कि 8 से 11 के बीच में मैं आऊँगी, उन्होंने कहा था कि पहले आप आ जाना ज़रा, तो खाली मिलता है, बाद में फिर थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि वो 8:30 बजे तक आ जाएगी, तो चाय पी के मैं शावर वगैरह ले लूँगी और चाय पी के मैं निकल जाऊँगी। पर जब वो नहीं आई, बहुत देर से मुझे एहसास होने लग गया, तो मैंने घड़ी देखा तो देखा 9:15 बज गया है। अब फटाफट मुझे किचन का काम करना था। अब उसका एक मैसेज आया हुआ है सिर्फ कि मैं आज आंटी नहीं आऊँगी। अब वो मैसेज तो मैं सारा दिन तो आदमी उठ करके सुबह से मोबाइल देखता नहीं है, अभी अभी जस्ट मैंने देखा है। तो अब तो 9 बज गए, तो मैंने कहा कि किचन का काम जो है शुरू कर निपटाऊँ, सारा काम गड़बड़ हो जाता है ना एक बारी, क्योंकि वो अगर कल कह देती कि नहीं आएगी तो इतनी मुश्किलें नहीं होती। अब इंतज़ार आप करते रहो और इंतज़ार के जब घड़ियाँ एकदम से चरम पे होती हैं तो आपको लगता है कि अच्छा क्यों नहीं आई, भाई फ़ोन भी नहीं आया तो मैसेज देख लेते हैं कहीं मैसेज हो। तो एज़ यूजल उसका वही हालत है, उसने मैसेज ये कर दिया है कि आज मैं नहीं आऊँगी। चलिए अब सारा क्या करना, सारा टाइम जो शेड्यूल था मेरा वो सारा कुछ गड़बड़ हो गया। अब मैंने कहा कि अभी तक मैं वेट कर रही थी 9 बजे तक कि वो चाय पीऊँगी फिर मैं जाऊँगी, तो चलिए अब जल्दी जल्दी से चाय बनाने की तैयारी करने से पहले जो है मुझे ये सामान वगैरह जो बाज़ार से मंगा के रखा था मैंने वो सब कुछ डब्बे में डाल दिया, चना वना जो था डालना, और किचन की पहले सफाई करेंगे तब जा कर के चाय बनाएंगे ना, क्योंकि कल का सफाई तो करके रखा होता है किचन, पर फिर भी जब सुबह सबसे पहली कोई चीज़ बनानी होती है तो किचन को एक बार साफ ज़रूर करते हैं। तो मैंने किचन की सफाई करी और फिर चाय बनाने की तैयारी की। अब 1 घंटा हर काम में मैं डिले हो चुकी थी। अब चाय बना के पीने के बजाय मैंने कहा कि चलो चाय का पानी अभी रख देती हूँ और मैं शावर ले लेती हूँ फटाफट, क्योंकि आज बच्चों ने कल जाना है, आज टीका है तो बच्चों ने कल जाना है बाहर घूमने के लिए, तो उनका डॉगी है, उनको मैंने इस बार कहा था कि आप मेरे पास ही छोड़ जाना, बार बार कहीं क्रच में वो छोड़ के जाते हैं डॉगी को डॉग केयर में, तो मैंने कहा कि इस बार मेरे पास ही छोड़ जाना आप लोग, तो उनको भी आना था। अब वो सारा टाइम जो इतना, मतलब जो सारी प्लानिंग एक वजह से सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है। खैर चलिए कोई बात नहीं है, अब इसी में जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना है, तो मैंने चाय का पानी अब रख दिया है फाइनली, और चाय का पानी रखने के बाद मैं शावर लूँगी और फिर चाय बनाऊँगी और तब मैं चाय पी के, और कमल भी 9 बजे चाय लेते हैं, चाय उनका भी टाइम हो गया है, तो चाय उनको दे करके और मैं फिर थेरेपी के लिए निकलूँगी।
दोस्त 9:40 हो गया है और अब मैं जाके तैयार हो पाई हूँ जाने के लिए। मैं ऑलरेडी कम से कम 1.25 घंटा लेट हो चुकी हूँ थेरेपी के लिए, और अभी नवेली से बात कर लिए तो उन्होंने कहा है कि वो 11:30-11 बजे तक पहुँचेंगे। तो मैं इतनी देर में मैंने कहा थेरेपी करवा लेती हूँ, नहीं तो फिर आज का एक रह जाएगा। ये स्लीवलेस इसलिए पहना है क्योंकि यहाँ पे जो वो मसाज करते हैं उसमें कल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह का कपड़ा, ये देखिए अभी जो ये वाली फिश स्वेलिंग है ना, इससे दूर करना है और यहीं पे क्रैक है अंदर बॉडी में। तो चलिए बस मैं होके आती हूँ। अब आज के वीडियो का भी समापन मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए, कल आपसे मिलने आएंगे। आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार, गुड डे, प्रणाम।